कायम टीवी कनाडा की जानिब से हाजिर खिदमत हूँ। आज यकूब शाबान की वो तारीख के जिस दिन फातिमतुज़्ज़हरा का आंगन रश्क अमल से दूर हो रहा है, अली के आंगन में पुरानी आयत की सूरत में जनाब ज़ैनब कुबरा ज़ैनब आलिया उतर रही है। हर हस्ती को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार है। कायनात के रसूल मोहम्मद अरबी ने आकर रहले रिसालत पे जनाब ज़ैनब को बुलंद किया। जनाब ज़ैनब का नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब रखा क्योंकि ये नाम मलकूती मुकाम पे बीबी का पहले से ही तजवीज था। आज जिस हस्ती के साथ हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे वो हस्ती कोई तारीफ को मोहताज नहीं, आगा हाशिम कदीरी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बहुत मशहूर है कि आपने अपने कीमती वक्त में से आगा हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। आगा जनाब ज़ैनब की वो हस्ती है के बीबी को किस्मत फातिमतुज़्ज़हरा से मिली है और बीबी का अंदाज बाबा का अंदाज है, यानी कि उमराउल कलाम अली इब्न अबी तालिब की बेटी है। दरबारे शाम में इस तरह से खिताब करती है कि फातह शाम बनी नजर आती है, हिल जनाब हसन से मिलता है और शुजाअत जनाब हुसैन से मिलती है और गुफ्तगू में लहजा और तेवर में अंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मेरा ये सवाल है आगा कि बीबी आलिमा गैरे मौलिमा है, फाजिला है, फसीहा है, आकिला है। बीबी को इतने अलकाबात से नवाजा जाता है, क्या ये बीबी की जो फजीलत है इसलिए है कि बीबी को जो सोबत मिली वो पंजतन की सोबत में मिली या उनके साथ उनको तरबियत मिली इसलिए, या ये इलाही फैज बीबी की अलग मुनफरिद जो है खुसूसियात को नुमाया करता है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए हमारे यहाँ मजहब अहले बैत रसूलुल्लाह का जो इम्तियाज है उन इम्तियाजात में से एक ये बात भी है कि हम किसी भी शख्स को सिर्फ इसलिए इज्जत या अहमियत नहीं देते कि उसका ताल्लुक किसी बड़ी शख्सियत के साथ है, या किसी शख्स को इसलिए नापसंद नहीं करते कि वो किसी अच्छे फर्द के साथ मुंसलिक है, बल्कि हमारे यहाँ इज्जत का मेयार जो है वो खुद अपनी जात और उसका किरदार हुआ करता है, और ये किरदार और ये मेयार हमें खुद कुरान मजीद से हासिल हुआ कि अच्छे अफराद की बुरी बीवियां थी तो उन्हें बुरा कहा गया और बुरे फर्द की कोई अच्छी बीवी थी तो उसकी तारीफ की गई। तो वो निस्बतें जो हैं वो एक हद तक ही होती हैं, इससे ज्यादा नहीं होती हैं। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जो अपना जाती कमाल है वो आपकी तख्लीक और आपके वजूद के साथ मिलता है, सिर्फ इस वजह से कि वो दुख्तर हैं हम बल्कि उनके एहतराम की उनके बाइज्जत मकाम और मर्तबे का जो हमारा हमें पास है वो इसलिए है कि परवार ने उन्हें अपनी जाती बहुत सारी खसूसियात से नवाजा था कि जिनमें और जिनके अलकाब हमारे यहाँ मासूमीन जब किसी को लकब देते हैं तो वो ऐसे नहीं हो जैसे आम इंसान दे देते हैं, बल्कि वो उनकी किसी खसूसियत के पेश नजर लकब दिया जाता है। अब आपका सैयदा का लकब है अकीला बनी हाशिम, यानी कि आप बनी हाशिम की खवातीन में सबसे ज्यादा अकलमंद खातून है। तो अकीला और आकिला में फर्क ये होता है कि आकिला वो होती है जो एक अरसे के बाद अकल हासिल करे, यानी एक अरसा नादानी में गुजरे, या किसी वक्त आकिला हो किसी वक्त नादान हो। अकीला वो होती है जो हमेशा अकलमंद होती है, उस पर नादानी कभी नहीं आती है। जनाब ज़ैनब कुबरा के अलकाबाद ये वजाहत करते हैं कि शहजादी की जो खसूसियात हैं वो सिर्फ उनकी नस्बतों की वजह से नहीं है, बल्कि खुद परवरदिगार ने उनकी वजूद में ही बाबरकत वजूद और जात के साथ ही ये सारी खसूसियात जो अलकाबाद जो मासूमीन की जुबान से जारी हुए हैं वो सब के सब खुदा ने आपकी जात में यकजा किए। यही वजह है कि 1400 बरस के बाद भी हम लोग शहजादी का जिक्र उसी अदब और एहतराम से कर रहे हैं। जी बहुत खूबसूरत। आगा ये बताइए कि जनाब ज़ैनब खुद ज़ोहद तक्वे का पैकर है, फिर मौला हुसैन ने रुखसत होते वक्त क्यों बीबी से करबला के मैदान में कहा कि ऐ बहन मुझे तहज्जुद की नमाज में याद रखिएगा? ये जुमला हमें तारीख में क्यों मिलता है, इसकी फलसफी हैसियत क्या है?
ये देखिए हमारे उसी पिछले कलाम को तकवीयत पहुंचाता है आपका ये सवाल भी, कि जो मैंने कहा था कि हम सिर्फ निस्बतों की वजह से एहतराम नहीं करते, बल्कि किसी जब तक किसी शख्स की जाते कमालात ना हो। हमारे यहाँ मासूमीन के चौथे इमाम से लेके 12वें इमाम तक मुख्तलिफ आइम्मा की जबानी ये अकवाल मिलते हैं कि कोई शख्स किसी की दुआ कबूल ना हो रही हो तो अपने वालिदैन से दुआ करवाए, फिर भी कबूल ना हो तो शबाए कदर में दुआ करे। अगर कोई इतना बदनसीब हो कि उसकी कोई दुआ भी, तो फरमाया जाकर कब्र इमाम हुसैन के पास दुआ करे, खुदा उस दुआ को लाजमी कबूल करता है। यानी सारी का मासूमीन दर्स दे रहे हैं कि आप इमाम हुसैन जैनब आप मेरे लिए दुआ करना, तो ये शरफ और कमाल ये बताता है इमाम का जुमला कि खुद सारी कायनात की दुआओं का मरकज जात इमाम हुसैन है, और इमाम हुसैन खुद जनाब जैनब से फरमा रहे हैं कि मेरे लिए दुआ करना। और तारीख ये बयान करती है कि ये जुमला भी हजरत जैनब के जोहद और तकवा और परहेजगारी और बुजुर्गी का मुंह बोलता सबूत है कि वक्त का मासूम इमाम आपके लिए आपसे कह रहा है कि आप मेरे लिए दुआ करना। और तारीख ने ये लिखा कि करबला से लेके कूफा और शाम तक जहां कैदोबंद की मुसीबतें थी, तकालीफ थी, तमाम अफराद अपने अपने मुश्किलों को गिरफ्तार थे, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की पंजेगाना नमाज तो अपनी जगह, नमाज शब भी आपने कभी कजा नहीं की, तहज्जुद की नमाज भी आपने नहीं छोड़ी। यही वजह है कि इमाम हुसैन ने कहा था कि ऐ बहन ज़ैनब मुझे नमाज शब में याद रखना, कि जनाब ज़ैनब के इबादत और उनके तकवे का अलल ऐलान जो है वो इजहार था। बहन को भाई से मोहब्बत फितरी तौर पे होती है, लेकिन भाई की औलाद से भी वैसी मोहब्बत होती है। हम करबला की तारीख में तारीख जनाब जैनब और अली अकबर की मोहब्बत में देखते हैं कि बीबी ने जनाब अली अकबर की विलादत के वक्त भाई से खुसूसी कोई नेक भी मांगा है, अली अकबर से मोहब्बत भी जता रही है, और अली अकबर रुखसत होते हुए अम्मा से पहले जनाब जैनब के पास आते हैं। तो ये भाई बहन की मोहब्बत में अली अकबर की मोहब्बत इतनी, तारीख में कोई ऐसा वाकया मिलता है कि बीबी ने किस तरह से नेक मांगा था? देखिए जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अली अकबर को मैदान जंग में भेजा जंग के लिए, और वो वाकया हमारे सामने है कि बार बार इजाजत मांगी और इमाम हुसैन मना फरमाते रहे, जब आखिर में इजाजत मिल गई तो उस वक्त इमाम हुसैन ने खुतबा इरशाद फरमाया गुफ्तगू की लश्कर यजीद से कि मैं तुम्हारी तरफ उसे भेज रहा हूँ और अपनी शक्ल सूरत में रसूल अल्लाह के सबसे करीब है, यानी अशबाहुन नास कहा गया कि ये सबसे ज्यादा लोगों में करीब है, रिसालत में आपके खलकन व खुलकन कि वे तखलीक में भी रसूल अल्लाह के जैसा है और किरदार और अपने अखलाक में भी रिसालत में आपके जैसा है। तो वो जब हजरत अली तशरीफ दुनिया में तो हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को खुशी थी, आपने उस खुशी का इजहार यूं किया कि आपने वो हस्ती के जिसने कभी अपने बाबा से कुछ नहीं मांगा था, जिसने इमाम हसन मुश्तबा से कभी कोई सवाल नहीं किया, इमाम उसके यहाँ जब हसन पर तशरीफ लाए तो आप खुद चल के आई और आपने कहा कि मुझे अपने बेटे की तशरीफ आवरी पर तोहफा इनायत फरमाए, तो इमाम हुसैन ने आपको तोहफतन आपको तोहफा दिया। तो ये वो एक मोहब्बत इमाम हुसैन से भी थी, वो जो बहन भाई में ताल्लुक प्यार मोहब्बत होता है वो भी था, और वो एक तरफ का इजहार भी था कि मुझे अली अकबर से कितनी मोहब्बत है। जब हजरत अली अकबर मैदान जंग में जाने से पहले आए हैं हजरत उम्मे लैला के पास और आकर कहा है कि मुझे बाबा ने कहा है कि माँ से पूछ के आओ, तो हजरत उम्मे लैला ने कहा कि आप उनकी बात समझे नहीं है, इमाम हुसैन ने आपको कहा है कि माँ के पास जाओ, तो आपको मेरे पास नहीं जैनब कुबरा के पास भेजा है, आप उनके पास जाएं। और इसकी भी तारीख इसलिए है कि हजरत अली अकबर अभी आगोश में थे, यानी बहुत कम से इंतजारी तौर पर कि जनाब जैनब कुबरा ने उनकी उनको अपनी आगोश में लिया था। आप तरबियत किया करती थी सारा दिन हजरत अली अकबर जनाब जैनब के हमरा रहते थे, आपने उनको माँ बन के पाला है। हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में बरे सगीर में पाक हिंद में आम तौर पर जो फूफियाँ होती हैं उनको एक अजीब सा एक किरदार उनका बना दिया गया है, उन पर लतीफे बनाए जाते हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ इल्जाम होते हैं, लेकिन हमें हकीकत में अगर देखना चाहे कि हकीकत में एक बहन को अपने भाई की औलाद से कितनी मोहब्बत होती है और होनी चाहिए, उसका सबूत जनाब अली अकबर और जनाब जैनब कुबरा की मोहब्बत से है कि आप
रुखसत हो रहे हैं, तो ओनो मोहम्मद से ज्यादा अली अकबर के जाने पर जनाब ज़ैनब गमगीन थी और आप बार बार दुआ कर रही थी कि ऐसा ना हो कि ये जाए और वापस ना आए। तो ये सबूत है कि इन दोनों की आपस की मोहब्बत, बहन भाई की और जनाब ज़ैनब के अली अकबर से मोहब्बत, ये तारीख इंसानियत सारी जिंदगी भी अगर वर्गर्दानी करती रहे तो ये जो तीन रिश्ते हैं इसकी मिसाल नहीं मिल सकती है। यकीनन आगा, भाई के बेटे यानी भाई की औलाद में अपने भाई का बचपन एक बहन देखती है, बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने बताया। इसके साथ साथ नागरी हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से आकर सवाल के सिलसिले को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ है और अपनी जो सजेशन है उससे हमें आगाह करते रहिएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन एक बीबी का मुजर्रब अमल हमें मिलता है तवस्सुल करने का। ये तवस्सुल करने का अंदाज अवाम का नहीं बल्कि खवास का जरिया है, अंदाज है। कहा जाता है कि अगर आपको कोई परेशानी हो, हमें कोई परेशानी हो, तो बीबी को 99 टाइम यानी 99 टाइम दुरूद हदिया करे और एक गाना रोक लें कि जब हमारी हाजत रवाई होगी तो हम ये एक गाना मिला के यानी कुल 100 टाइम जो है दुरूद पढ़ेंगे। और बहुत ज्यादा मुजर्रब जो अमल मिलता है हमें तारीफ में वो ये कि 69 पॉइंट्स आप बना लें और ये 69 पॉइंट्स जो है आपने बनाने के बाद 69 डेज तक 69 टाइम दुरूद पढ़ना है, जनाब ज़ैनब को हदिया करना है। और जब 69 डेज कंप्लीट हो जाए तो इस 69 पॉइंट्स को आप किसी भी कंट्री में है उस कंट्री के अकॉर्डिंग आप अपनी करेंसी के 69 अपने पॉइंट्स जो है वो मेक किए और फिर उसको आप किसी फकीर, किसी गरीब, किसी की भी इमदाद उससे कर दें। यकीनन जनाब ज़ैनब के तवस्सुल से परवरदिगार आलम 14 मासूमीन के तवस्सुल से आपकी हाजत रवाई जरूर करेंगे। इसके साथ साथ हम सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगर ये बताइए कि बीबी की तरबियत किन किन हस्तियों का हमें नाम मिलता है कि बीबी की तरबियत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या जनाब फातिमा ज़हरा ने या हजरत अली ने, क्योंकि जनाब फातिमा ज़हरा के साथ भी बहुत कम वक्त गुजारा है बीबी ने। देखिए सबसे तो पहले रसालत में आपका नाम है कि जिन्होंने आपको अपनी आगोश में रखा। रसूल के लिए तरबियत करने के लिए तवील उम्र नहीं चाहिए, सिर्फ रसूल का लआब दहन भी किसी को हासिल हो जाए तो वो भी 70 उलूम का आलिम हो जाता है। तो रिसालत में आपने तो फिर इन हस्ती को अपनी आगोश में रखा, अपना लआब दहन भी दिया, अपने मुंह में निवाला चबा कर आप इनको खिलाया करते थे और इनके साथ खेला करते थे, नवासी थे आपके, उनके साथ बातें करते थे, खेलते थे जिस तरह से एक नाना और नवासी खेलते हैं। फिर इसी तरह से जहाँ पे सैयदा अगरचे कम वक्त के लिए रही लेकिन वो सैयदा निसाइल आलमीन है, आपका भी आपके साथ भी गुजरा हुआ एक लम्हा भी अगर मोहब्बत और इज्जत के साथ हो तो वो कायनात की तरबियतों से ज्यादा भारी होता है। फिर उसके बाद शख्सियत के जो अपनी अपनी मिसाल आप हैं उन जैसे उनसे बड़ा मुरब्बी कायनात में नहीं हो सकता कि जिन्हें कूफे के लोग अबल यतामा कहते थे, यतीमों का बाप है, काफिलुल यतामा, यतीमों की हिफाजत करने वाला, वो अली इब्न अबी तालिब के मशरिक व मगरिब के अफराद जिनको अपना बाप और अपना वली और अपना मुरब्बी मानते हैं। सारा माँ ने फरमाया था कि या अली अना व अंता अबावा हाजिल उम्मत, इस उम्मत के दो बाप हैं, एक मैं हूं और एक आप हैं। तो वो जो सारी उम्मत का बाप था अली इब्न अबी तालिब, वो अपने घर में जब आता था तो ज़ैनब कुबरा आपको बाबा कह के पुकारा करती थी, तो वो आपके साथ रहे, आप उनको कूफा भी लेके गए अपनी ज़ाहरी हुकूमत में। फिर उसके बाद आपकी शहादत के बाद इमाम हसन मुश्तबा, आप हजरत इमाम हसन मुश्तबा के साथ बतौर मुशीर भी रही हैं, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। जनाब ज़ैनब कुबरा मदीने के मामलात में, औरतों के मामलात में हजरत इमाम हसन मुश्तबा की मुशीर रही हैं, आपसे मुशावरत किया करते थे। और सबसे बड़ी तरबियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है कि जिन्होंने अपने साथ सफर में करबला के सफर का आगाज ही जनाब ज़ैनब कुबरा के मशवरे से किया कि बहन ऐसे ऐसा वलीद के दरबार में वाकया पेश आया, क्या करना चाहिए। जनाब ज़ैनब ने फरमाया कि हम चलते हैं, वो वक्त वादा के निभाने का वक्त आ गया है। तो करबला की मुशावरत भी जनाब ज़ैनब कुबरा के साथ हुई है और करबला के
बाद की जो मशावरत थी, जो आज तक इस्लाम बाकी है, वो मशावरत भी जनाब ज़ैनब के साथ हुई है। तो वो सब की सब तरबियत थी जो रिसालत माब से शुरू हुई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक आई, इन पांच पंजतन पाक के अहले बैत अलैहिस्सलाम के वजूद की बरकत और इनका उनका तरबियत करने का असर ये था कि जनाब ज़ैनब कुबरा आज भी सारी दुनिया के इंसानों के लिए, कायनात भर के ख्वातीन के लिए अगर कोई मुकम्मल औरत का अमली नमूना हो सकता है तो जनाब ज़ैनब कुबरा की ज़ात हो सकती है। बेशक बेशक, मैं इसी सवाल की तरफ आगा आ रही थी। ये बताइए कि बीबी की इस्तेकामत जिस तरह दरबार में थी कि अपने बाबा के लहजे में जो है उन्होंने गुफ्तगू की, बनी हाशिम की खवातीन साथ थी, दीगर मस्तूरात भी साथ में थी, लेकिन बीबी का वो अंदाज के जालिम के सामने वो डटी रही, हक का प्रचार करती रही, इलाही पैगाम को आम करती रही। वो लोग जो कि बीबी को बागी कह के, सीधा सज्जाद को बागी कह के पत्थर बरसा रहे थे, वो वापस आने पे बीबी के, यानी कि बीबी ने अपने खुतबों से ऐसे खिताब किए कि वही लोग वापस आने पे बीबी को फातेह शाम कहते हुए नजर आते हैं। और जिस तरह जुज़े रिसालत फातिमतु ज़हरा है, इस तरह कार्य रिसालत जो है जनाब ज़ैनब भी अंजाम करती हुई नजर आती है। हम क्या बीबी के अंदाज से, बीबी के पैगाम से जो है वो नतीजा हासिल करते, क्या ज़ैनबी पैगाम हमारी यूथ को देना चाहेंगे, आप ये बताइए। देखिए, सबसे जो अहम बात जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का सब्र और उनकी इस्तेकामत है कि आम तौर पर हमारे यहाँ ख्वातीन जो हैं वो फितरती तौर पर जज्बाती होती, इमोशनल होती है, इमोशनली बड़ी वीक होती है कि थोड़ी सी भारी खबर आ जाए तो वो ज़ब्त पे काबू नहीं रख सकती। यही वजह है कि हमारे ख्वातीन के लिए शरीयत में कवानीन भी अलग हैं कि मसलन जनाजे पर ना जाए, कब्रिस्तान पे ना जाए, कब्र पर मिट्टी ना डालें, ये सब चीजें क्यों? इसलिए कि वो अपने किसी अजीज को इस हाल में कि उनका जनाजा हो या कब्रिस्तान, ये सब चीजें औरत की फितरत, चूंकि उन्होंने खुदा ने नाजुक बनाया है तो इसलिए खुदा ने उसको कहा कि तुम ये सब सहूबतों से दूर रहो। तो चूंकि फितरी तौर पर औरत जो है ना वो बड़ी हसास होती है, लेकिन जनाब ज़ैनब कुबरा की जब बारी आती है तो हसास तो आप बहुत थी, आपके बचपन के वाकयात मिलते हैं, लेकिन जब बारी आई कुर्बानी देने की तो लोग समझते हैं कुर्बानी देने का नाम का मतलब सिर्फ जान की कुर्बानी है, औलाद कुर्बानी, ये कुर्बानी नहीं होती सिर्फ, बल्कि असल में जनाब ज़ैनब कुबरा की जो कुर्बानियां थी वो करबला शाम गरीबा से शुरू हुई कि आप तन्हा खेमों का की पहरा भी देती रही और उसके बाद आपने खुतबे भी दिए, असल में ये कुर्बानियां थी जो आपने सब्र और इस्तेकामत के साथ दी। और जो खुतबा आपने दिया करबला के बाद, कूफे में खुतबा दिया, शाम में भी खुतबा दिया, जो शाम का खुतबा है वो असल में बयान करता है कि जब जरूरत पड़ जाए हक पर बोलने के लिए तो उस मौका पर ये नहीं देखते कि मैं कमजोर हूँ इमोशनली या मैं नहीं किस कंडीशन में हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं गुलामी में हूँ या मैं कैद में हूँ। जब हक बोलना होता है फिर हक बोलना होता है, फिर हक की बात करनी होती है। ये जो जनाब ज़ैनब कुबरा वाला काम था, इमाम ज़ैनब आबिदीन भी मौजूद थे, वो कह रहे थे कि मुफ्ती अम्मा आप आराम करें, आप खामोश रहे, मैं बोलता हूँ, लेकिन आपने जनाब ज़ैनब को गुफ्तगू करने दी कि आप बात करें। तो ये हमारे फिक्र में हमारे मजहब का इम्तियाज भी यही है कि हमारे यहाँ औरतों को गला नहीं घोंटा जाता। हमारे यहाँ अगर हम कहते हैं कि औरत के सर पर हिजाब होना चाहिए तो ये उसके बाल छुपाने के लिए, उसकी अकल पर डालने के लिए नहीं है, ये उनका सर छुपाने के लिए, ये उनकी अकल को बंद करने के लिए नहीं है। हमारे यहाँ मस्जिद नबवी में जनाब सैयदा ज़हरा का खुतबा या दरबार शाम में जनाब ज़हरा का खुतबा, इन दो खुतबों की मिसाल तारीख में पेश नहीं हो सकती है। और ये दोनों ख़वातीन हैं, दोनों बाहिजाब थीं, दोनों बाकिरदार और गैरतमंद और शरीफ और नफ्स इज्जतदार ख़वातीन, लेकिन जब कलाम की बारी आई तो आपने अपना हक सही से बयान किया ताकि सामने वाला की उसकी जो नीयत है वो बयान हो सके। तो जो आपने कहा कि यूथ के लिए सिर्फ यही पैगाम है कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, अगर आप करना चाहते हैं करें, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है, आप इल्म हासिल करें, आप करियर बनाएं, आप अपने बाहर निकलें, अपनी उसके लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं, इस्लाम आपको हर किस मना नहीं करता। आप अपने हुदूद और कयूद के अंदर रहकर शरई तकाजों को पूरा करते हुए आप दुनिया में जो काम कर सकते हैं वो आपके लिए इजाजत है। और अगर आपको कोई रोके कि आप औरत होकर बाहर जा रही है, कॉलेज जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है, फलां कर रही है, ऐसा नहीं करें,
आप बोल सकते हैं हम जैनब कुबरा की मानने वालियां हैं। जैनब कुबरा अगर मुश्किलों में घिर कर भी तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी रख सकती थी, हम तो फिर आसानी से हैं। तो हमारे यहाँ खवातीन हैं वो हमारी खवातीन के रोल मॉडल हैं, और उनका सबसे बड़ा पैगाम यही है कि शरई हदूद में रहते हुए आप जिंदगी को आगे बढ़ाएं, तालीम को आगे बढ़ाएं, तो उसमें कोई ममानियत आपको हरगिज नहीं है। कि यही प्रोफेशन फीमेल का हो, अगर आपके पास खुलिया जो है ज़ैनबी हिजाब का है तो आप हर काम कर सकते हैं, यही नतीजा निकलता है। बहुत मशहूर है कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए जो है टाइम निकाला। इसके साथ साथ हम दूसरे प्रोग्राम के लिए भी आपको मदऊ करेंगे। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा और अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, और हम अपने प्रोग्राम में क्या चेंजिंग ला सकते हैं ये भी जरूर हमें बताइएगा। खुदा हाफिज़।